इस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन रमेश मिश्रा जी, जिनको आप जिनका सार गर्भित बातें आप अभी आप सुन रहे थे, सुनकर इतना अच्छा लगा कि आज इसकी देश में आज इसकी आवश्यकता है। कुमार चंदन जी, कुमार चंदन आनंद जी, अर्पित गुप्ता जी, जगदीश गांधी जी और सामने बैठे राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित एक दिवसीय यूपी एजुकेशन कॉन्वेंट में पधारे देश भर के एजुकेशनिस्ट, उत्तर प्रदेश के सब अधिकारी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के नामचीन संस्थाओं के प्रतिनिधि और लखनऊ की स्मार्ट सिटी की होने के नाते, स्मार्ट सिटी की मेयर होने के नाते से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सोशल इमोशनल लर्निंग, ब्लेंडिंग लर्निंग, डिजिटल वर्ल्ड और शिक्षकों की भूमिका में तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। मेरा मानना है कि अभिभावक ही बच्चों के असली गुरु होते हैं। घर पर वही शिक्षा देते हैं। घर में बच्चों को शिक्षा का ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे वे मेधावी बन सकें। मेहनत करना विद्यार्थी का कर्तव्य है और मार्गदर्शन करना अभिभावक और शिक्षक की जिम्मेदारी है। यदि छात्रों में शिक्षकों को भविष्य में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी तकनीकी जैसे मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि के बारे में सिखाया जाएगा तो निश्चित ही वो बेहतर अच्छे परिणाम लाएंगे। लखनऊ नगर निगम की ओर से अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट लाने की तैयारी मैंने भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही यह भी प्लानिंग की जा रही है कि जिस तरह से स्कूल के शिक्षकों को इस दिशा में प्रशिक्षण दिलवाया जाए, इस वर्ष स्मार्ट क्लासेस के लिए हमने विशेष बजट भी रखा है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्य योजनाओं में लगी राशि का उपयोग भी किया जा सकता है। हमारा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी नगर निगम के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का क्रियान्वयन हो जाए। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कूलों में जहां अध्यापकों की कमी है, वहां स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। आज शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ज़रूरत है। हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करे, प्रोजेक्ट के माध्यम से किताबी ज्ञान को रोचक तरीके से सीख सके, इस दिशा में प्रयास करने होंगे। गीता में लिखा है कि दुनिया का सबसे पवित्र काम किसी को ज्ञानवान बना देना है। शिक्षित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल अब केवल गरीब बच्चों के पढ़ने वाले स्कूल नहीं रहेंगे। सरकारी स्कूल में कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तरह आधुनिक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को बोध कराने वाली शिक्षा दी जाएगी उनको। उसके अलावा भी योगी जी सरकार की शिक्षा में बदलाव के लिए कई योगी जी ने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ शहर को स्मार्ट सिटी योजना में चयनित किया है। हम लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम के माध्यम से विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर शहरवासियों को की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छता ऐप लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐप हमारे पास उपलब्ध है। स्वच्छता ऐप में अगर आप किसी गंदगी कूड़े को फोटो खींचते हैं और अपने गूगल में मैप में माध्यम से उस स्थान को चिन्हित कर नगर निगम के कर्मचारियों को भेज देते हैं, जो वह चिन्हित कर वह नगर निगम के उस कर्मचारी को भेज देता है जिस स्थान की सफाई का जिम्मा है, उसके जिम्मे है। यहाँ तक ही नहीं, आप अपनी नई शिकायत की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई शिकायत की मॉनिटरिंग उसमें हो जाती है। इसी कड़ी मेहनत की भागदौड़ बचाने के उद्देश्य से इससे आपकी कड़ी मेहनत और भागदौड़ भी बच जाती है। लखनऊ की विभिन्न समस्याओं को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐप्स है, जिसमें आप गृह कर से लेकर अतिक्रमण, सफाई, रोड, नाली इत्यादि हर समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं।
यही नहीं, कुछ दिन पहले हमने जनता को जागरूक करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया था। 10/90 पर आपने सबने देखा होगा, हम लोगों ने इसका लॉन्च किया था, जिसमें लिखा था क्या आप स्मार्ट हैं, अगर आपके फ़ोन में स्वच्छता ऐप है तो आप स्मार्ट हैं। मित्रों, लखनऊ नगर निगम के माध्यम से जनता को स्मार्ट सुविधाएं देने के उद्देश्य से हम भविष्य में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट टैक्सेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्मार्ट ट्रेनिंग, नगर निगम के वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट व्हीकल असिस्टेंट आदि को लागू करने की योजना में कार्यरत हैं। अंत में मैं कार्यक्रम के आयोजक एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया और हम सब लोगों को आपस में अपने मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और विशेषकर मुझे रमेश मिश्रा जी को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनके उनके विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के विचारों से हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरों के प्रति अपने विचार प्रदर्शित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो हमारे मोदी जी का सपना है उसको हम ज़रूर कामयाब कर पाएंगे। ऐसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे कार्यक्रम बहुत सारे लगे थे और मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आपको सॉरी उसके लिए, आपको भी मुझे बीच में रोकना पड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।